MySpace Kitchen Interiors, अब वक्त आ गया है आपके किचन को अपग्रेड करने का। MySpace लाया है अफोर्डेबल ऑप्शंस के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइनर किचन सेटअप, जो आपको देता है मजबूती के साथ ड्यूरेबल फिटिंग, कस्टम डिजाइन, बड़ा स्टोरेज, वो भी सब एक बजट में। साथ ही साथ आपको MySpace Kitchen Interiors प्रीमेड डिजाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है। तो देर किस बात की, अभी कॉल कीजिए MySpace Kitchen Interiors और आपके किचन को बनाए शानदार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के पेट्रोल पंप पर घटी सांप्रदायिक घटना, मुस्लिम युवकों की सांप्रदायिक और धर्मद्वेषी नारे लगाते हुए की गई पिटाई। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। देश में भारतीय जनता पार्टी और कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा मुसलमानों के प्रति फैलाई जा रही नफरत पूरी तरह रंग दिखा रही है। उत्तर प्रदेश जो नफरत का एक बहुत बड़ा गढ़ बनता जा रहा है, जहां से नफरत पूरे देश में फैल रही है, उसी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक सांप्रदायिक घटना सामने आई है। पेट्रोल पंप पर CNG भराने गए मुस्लिम युवक दूसरे व्यक्ति द्वारा कारों की लाइन जो लगी थी उस कतार में नंबर लगा हुआ था और उस नंबर को लांग करके दूसरा कार चालक आगे जा रहा था। मुस्लिम युवकों ने और अन्य कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। वहीं इस पेट्रोल पंप का मालिक जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो और ये कतार तोड़ने वाला व्यक्ति, इनके अन्य सभी साथी पेट्रोल पंप के तमाम कर्मचारी जय श्री राम के नारों के साथ इन मुस्लिम युवकों पर टूट पड़े। पहले काफी बहस हुई, बहस होने के बाद इनके साथ मारपीट की गई। आसिफ इसमें काफी बुरी तरह से घायल हुआ है और उसे आगरा रेफर किया गया है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। खुद उसके साथी फैजान खान ने सोशल मीडिया के एक्स यानी ट्विटर पर इस पूरी घटना को शेयर किया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है कि मामला पंजीकृत किया गया है, अपराध दर्ज कर आगे की संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मगर इस तरह की घटनाएं अब आम होती जा रही है। जहां कहीं भी मुस्लिम हो तो कोई भी बहाना बनाओ और किसी भी कारण के चलते मुसलमानों को सीधा मार दो, ये सिलसिला अब चारों ओर से सामने आने लगा है। लगा रहे थे तो इतने में एक गाड़ी आई अचानक, उसने कहा पहले मेरी गाड़ी बढ़ेगी, उसने कहा पहले मेरी गाड़ी बढ़ेगी, तो उसी में बहस होने लगी कि ये मैनेजर का है। जाति सूचक गालियां दी आपको, जाति सूचक कड़वा बोला? हाँ, ये सब उल्टी सीधी बातें कही गई और हम लोग ने बोला कि नहीं, लाइन से गाड़ी भरी जाएगी और बगैर लाइन के गाड़ी नहीं। नेता लग नहीं कर रहे तुम यहाँ, नेता लग नहीं कर रहे तुम, कहाँ के नेता हो तुम, तुम बात लूट करवा जाओ, तुम तुम वीडियो बना रहे हो, बना रहे गाड़ी।